Hi friends, this is Mr. Umair and you are watching Toplinc TV. Friends, हम बना रहे थे ब्लैक एंड वाइट लोगो और ये ब्लैक एंड वाइट लोगो की फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है सो फ्रेंड्स, आपको ये लोगो ठीक से समझ में नहीं आएगा, आप इसका लाजमी फर्स्ट पार्ट देखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये है इसका सेकंड और लास्ट पार्ट। सो इसको मज़ीद समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए और सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पे जाकर। सो फ्रेंड्स, इसको जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमने ब्लैक को ब्लैक कलर दे दिया है, अब बारी है ए को ब्लैक कलर देने की। तो अगर आप एंड पे क्लिक करोगे तो एंड पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, आपको ए पर ब्लैक कलर देना है। इसके लिए आप दोबारा ए पे क्लिक करोगे तो ब्लैक डॉट से आप देख सकते हैं इसकी सेकंड सिलेक्शन हो गई है, अब सिर्फ ए पे कलर होगा। ऊपर फॉर्मेट पे जाइए, शेप फिल में जाकर आप इसको ब्लैक कलर दे दें इस तरह से, और ब्लैक और ए का कलर भी ब्लैक है और आउटलाइन भी ब्लैक है। यहाँ पर डी और वाइट वाइट कलर में तो हैं लेकिन इसकी आउटलाइन ब्लैक है, तो आपको इसकी आउटलाइन भी वाइट करनी है। तो आउटलाइन वाइट करने के लिए मैं आपको डी बता देता हूँ। डी पर आप जाओगे, क्लिक करोगे और जैसे इसकी ब्लैक डॉट से सिलेक्शन हो गई तो फॉर्मेट पर जाकर आपने शेप आउटलाइन पर जाकर इसको देनी है वाइट आउटलाइन। सो फ्रेंड्स, क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट है, कलर भी वाइट है और इसकी आउटलाइन में मैंने वाइट कर दी, इसलिए जो है डी इनविजिबल हो गया है। बैकग्राउंड में डालूंगा तो वो आपको विजिबल हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वाइट को हम इसकी जो आउटलाइन है वो हम बाद में वाइट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी लेना है पूरा इसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लेने के लिए मुझे वाइट की यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो वाइट को हम बाद में इसकी आउटलाइन को वाइट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे चाहिए इसका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लेने के लिए मुझे दोबारा जाना होगा इंसर्ट पे, शेप्स पे, और रेक्टेंगल शेप मैंने सेलेक्ट की और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मुझे वाइट तक इसकी जो है ना लेंथ चाहिए थी, ये मैंने रेक्टेंगल शेप से इसको कर दिया ड्रॉ, और राइट क्लिक करके मैंने इसको ऑर्डर में जाकर मैंने कर दिया सेंड टू बैक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड पीछे मौजूद है। अच्छा, ब्लैक पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वाइट भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये ग्रुप है। कीबोर्ड से मैंने शिफ्ट प्रेस किया और मैंने एंड को भी मैंने प्रेस कर दिया, ब्लैक वाइट और एंड दोनों मेरे पास सिलेक्टेड हैं। ऊपर मैं फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाकर जो है मैं अलाइन पे जाकर मैंने अलाइन सेंटर कर दिया पहले, और फिर मैंने कर दिया अलाइन मिडिल, ताकि अगर ये ऊपर नीचे हो तो वो आपस में एक लाइन में आ जाए। ओके, अब जो है यहाँ पर क्योंकि ये सेंटर और मिडिल हो चुके हैं तो सिलेक्टेड दोनों हैं, तो राइट क्लिक करके इनको आप कर दें ग्रुपिंग में जाके ग्रुप। सो फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट आपका एक ग्रुप बन चुका है। अब आपको जो है ये जो पीछे बैकग्राउंड है इसके बिल्कुल मिडिल और सेंटर में करना है ब्लैक एंड वाइट को। सो फ्रेंड्स, पहले ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें, और पीछे बैकग्राउंड पे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया है, दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं ब्लैक एंड वाइट एंड इसका बैकग्राउंड। ऊपर फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट के बाद अलाइन में जाकर पहले आप अलाइन सेंटर करें और उसके बाद अलाइन में जाकर आप कर दें अलाइन मिडिल। सो फ्रेंड्स, ब्लैक एंड वाइट और इसका जो सेंटर है वो आपस में बिल्कुल मिडिल और सेंटर हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं सैंपल में कि पीछे मुझे जो बैकग्राउंड है वो हाफ वाइट और हाफ ब्लैक चाहिए, जो कि इस सिंगल रेक्टेंगल शेप से पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको हाफ वाइट और हाफ ब्लैक रेक्टेंगल बॉक्स ही लेना होगा। तो इसके लिए आप जो है दोबारा जाओगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाकर आपने शेप्स पे क्लिक करना है और रेक्टेंगल शेप पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला जो था हमारा रेक्टेंगल शेप, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि जो है मैं इसको साइज देख सकूं, इसकी लेंथ देख सकूं, और आराम से जो छोटे हाफ रेक्टेंगल शेप है वो मैं इसमें आराम से डिवाइड कर सकूं और इसको मैं रख सकूं। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरा जो रेक्टेंगल शेप है वो लोड हुआ हुआ है। यहाँ पर आपने बिल्कुल लेफ्ट टॉप पर आना है और यहाँ से आपने ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। यहाँ से आप बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक करते हुए यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया, और ये जो मेरा बड़ा वाला रेक्टेंगल शेप है इसका मिडिल पॉइंट ये रहा ग्रीन वाला, ये ग्रीन पॉइंट के बिल्कुल मिडिल पे लाके आपने इसको छोड़ना है इस तरह से। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल मिडिल पे लाके आपने छोड़ना है इसको। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने हाफ पार्ट इसका बना दिया है। इसी पर राइट क्लिक करके कॉपी निकालें, इसको पेस्ट करें और इसके हाफ पार्ट को लाके आप इसके ऊपर रख दें ये इस तरह से। तो फ्रेंड्स, दोनों हाफ पार्ट्स मैंने रख दिए हैं। अब एक हाफ पार्ट को क्लिक करें, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें, और दूसरे हाफ पार्ट को मैंने क्लिक करके राइट क्लिक करके मैंने जो है ग्रुपिंग में जाकर इसको दे दिया ग्रुप,
और इस तरह से मेरे ये दोनों ग्रुप बन गए। लेफ्ट पार्ट मुझे जो है वाइट रखना है और ब्लैक जो है मुझे करना है, राइट जो है मुझे करना है ब्लैक। तो आपने राइट को डबल क्लिक किया और ऊपर फॉर्मेट पे जाके ऑलरेडी ब्लैक कलर मौजूद है तो आप इसको दे दें ब्लैक कलर। अब फ्रेंड्स इस बैकग्राउंड को आप राइट क्लिक करके ऑर्डर में जाके इसको कर दें सेंड टू बैक। अच्छा कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि फ्रंट पे जो है ना वो बड़ा वाला रेक्टेंगल बॉक्स मौजूद है, आप उस पर राइट क्लिक करो जाकर और उसको कर दो कट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपने पीछे जो दोनों हाफ हाफ बैकग्राउंड्स भेजे थे वो अब डिस्प्ले हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पीछे वाइट बैकग्राउंड है और वाइट के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है और ए आपका प्योरली ब्लैक है और डी आपका प्योरली वाइट है और इसकी आउटलाइन भी आपने वाइट कर दी थी। अब वाइट की आउटलाइन वाइट करने के लिए आपने वाइट को दो बार सेलेक्ट किया, ऊपर फॉर्मेट पर जाएँ और शेप आउटलाइन पर जाकर इसकी भी आउटलाइन को आप कर दें वाइट। ओके और अब बारी है सिर्फ एन के कलर की, एन पर डबल क्लिक करें और फॉर्मेट पे जाकर शेप फिल में जाकर आप ग्रेडियंट में जाएं और नीचे मोर ग्रेडियंट्स में जाकर आपने वन कलर और टू कलर्स को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट कलर सेलेक्टेड हो जाएंगे। शेडिंग स्टाइल्स में आपने वर्टिकल में जाना है, लेफ्ट पे रखना है आपने ब्लैक कलर और राइट पे रखना है वाइट कलर। तो इसके लिए आप वेरियंट्स में इस ऑप्शन को क्लिक करोगे और कर दोगे ओके। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे ब्लैक कलर है और राइट पे वाइट कलर है। सो फ्रेंड्स ये ब्लैक कलर होता हुआ वाइट कलर बन रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है लोगो अप्रॉक्सीमेटली रेडी है। अब आपने ब्लैक पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें और इसके बैकग्राउंड पे भी क्लिक कर दें तो बैकग्राउंड और ब्लैक एंड वाइट एक साथ सेलेक्टेड हैं। ऊपर जाइए फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाकर पहले आप अलाइन में जाकर इसको एहतियात के तौर पर अलाइन सेंटर और अलाइन में जाकर दोबारा अलाइन मिडिल कर दें ताकि कुछ रही सही कसर है वो भी क्लियर हो जाए। अब बिल्कुल मिडिल और सेंटर में ये लोग आ चुके हैं और अब इस पर राइट क्लिक करके आप ग्रुपिंग में जाके इसको कर दें ग्रुप। सो फ्रेंड्स आपने बैकग्राउंड और ब्लैक एंड वाइट को ग्रुप कर दिया और बिल्कुल इसको एक साथ टुगेदर बना दिया है। सो फ्रेंड्स आपके देख सकते हैं कि ब्लैक के पीछे वाइट और वाइट के पीछे ब्लैक कलर और ए हाफ एंड जो है वो हाफ ए जो है उसका ब्लैक है और एंड में हाफ डी जो है उसका वो जो है वाइट है और एन जो एन है एन उसमें जो है ब्लैक और वाइट दोनों का कॉम्बिनेशन भी मौजूद है। फ्रेंड्स अब बारी है इसको शेडो देने की, तो शेडो देने के लिए आपने जो है पहले आउटसाइड क्लिक करना है, फिर वन टाइम इसको क्लिक करना है और ऊपर फॉर्मेट पे जाना है और शेडो इफेक्ट्स में आपने इधर जाना है नज शेडो राइट पे, इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे तो देखें सबका शेडो बाहर निकल गया और इधर आप नज शेडो डाउन पर वन टाइम क्लिक करेंगे तो इसका शेडो नीचे आ गया। सो फ्रेंड्स आपने इसको शेडो भी दे दिया है और फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये जो लोगो है ये 3D लोगो बन गया है क्योंकि शेडो का मतलब 3D होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपने इस सैम्पल लोगो और ये जो आपने बनाया इस लोगो में कि आपकी हर चीज़ कंप्लीट है, बैकग्राउंड्स भी आपके मौजूद हैं और शेडो भी आपका मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट भी लिखा हुआ है और एन पर जो है ना वो दोनों कलर्स कॉम्बिनेशन मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स आपका जो लोगो है ये 100% रेडी है और आप इसको अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरी दूसरी वीडियोस, आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और मज़ीद मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये है लोगों की डिफरेंट फील्ड्स के, आप इन डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को अपने हिसाब से जैसा चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपका लोगो रेडी है और हमने आज ये 3D लोगो बनाया है ब्लैक एंड वाइट का और इसमें 50% कलर ब्लैक एंड वाइट को हमने यूज़ किया है और बड़ी मेहनत हुई है, आप इसको देख सकते हैं। एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इसकी आप कॉपी निकाल लें और इसकी JPEG फाइल निकालने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, पावर पॉइंट पे और न्यू स्लाइड में जाकर आप ब्लैंक में जाएं और इसको कर दें यहाँ पर राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दें, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें आप और फ्रेंड्स इसकी JPEG जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट का लोगो है ये आपका। और फ्रेंड्स आप इसकी JPEG फाइल निकालने के लिए ऑफिस बटन में जाकर सेव विथ में जाइए, अदर फॉर्मेट्स में जाइए और यहाँ पर जो भी नाम देना चाहें दे दें, जगह सेलेक्ट करें और सेव विथ टाइप पे जाकर आपने JPEG फाइल लाजमी सेलेक्ट करना है, JPEG फाइल ओके इसको सेव करें, करंट सेंड ओनली करें, इसको कर दें आप मिनिमाइज और फ्रेंड्स यहाँ पर आप आ जाएँ अपने डेस्कटॉप पर। और यहाँ पर आप अपने लोगों को देख सकते हैं, तो आपका फ्रेंड्स लोगो रेडी है एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरे पास कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल्स मालूम करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर SMS कर सकते हैं और हमें फॉलो करें इस नाम से एंड दिस माई ईमेल एड्रेस। सो फ्रेंड्स यू आर वॉचिंग Toplinc TV, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, गिव योर कमेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इन द लास्ट थैंक्स।